हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। मेंस 100 का ये मैच सुपर चार्जर्स बनाम ओवल इनविंसिबल्स, ये मैच होने वाला है 11 अगस्त को रात में 11 बजे से। दोनों टीम्स की बात करें तो अपना पिछला गेम ये जीत करा रहे हैं। सुपर चार्जर्स ने हराया था रॉकेट्स को, जबकि ओवल इनविंसिबल्स ने मैनचेस्टर को वन साइडेड गेम में हराया। सुपर चार्जर्स अब तक 3 गेम खेले हैं, 2 जीते हैं और 1 गेम में नो रिजल्ट रहा है, जबकि ओवल इनविंसिबल्स 3 गेम खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 गेम टाई हुई है। बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो सुपर चार्जर्स के लिए टॉम बैंटन और मैथ्यू शॉट ओपन करेंगे, हैरी ब्रूक रहेंगे नंबर 3 पर। इन 3 बैटर्स का चलना बहुत जरूरी है इफ सुपर चार्जर्स नीड टू डू वेल। इनके बाद आते हैं एडम होस, फॉलोड बाय सैफ जाइब, डेविड वीजे, जिन्होंने पिछले गेम में फाइटिंग 50 स्कोर करी और अपनी टीम को हेल्प करा कि एक टोटल पुटअप कर पाए। इनके बाद आएंगे ब्राइडन कास, फॉलोड बाय वेन पानल, आदिल रशीद, रीस टॉपली और कैलम पार्किंसन। बात करें ओवल इनविंसिबल्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो विल जैक्स, जेसन रॉय, जॉर्डन कॉक्स, ये रहेंगे इनके टॉप 3। जो हेनरिक क्लासन भी खेल सकते हैं नंबर 3 पर। तो इन 3-4 बैटर्स के बीच में रहेगा पूरा मामला। विल जैक्स, जेसन रॉय ने लास्ट गेम में अच्छी शुरुआत दी थी और फिर हेनरिक क्लासन ने आकर क्विक फायर 50-20 स्कोर करी। इनके बाद आएंगे सैम करन, फॉलोड बाय सैम बिलिंग्स, रॉस वाइटली, सुनील नारायण, गस एटकिंसन, स्पेंसर जॉनसन, जिनका एक्सप्रेस स्पेल पिछले गेम में कुछ अलग ही अजूबा था। 20 गेंदें डाली जिसमें 19 डॉट बॉल्स थे, इमेजिन। नितिन साउटर कंप्लीट करेंगे इनके 11 को। बात करते हैं वेन्यू की, तो हेडिंगली लीड्स में ये मैच होने वाला है। इस सीजन यहाँ पर 100 का मैच हुआ था जो वॉशआउट हुआ था, वुमेन्स का एक गेम हुआ था। मैचेस की बात करें, टोटल T20 जो यहाँ पर हुए हैं पिछले 8, वहाँ पर टीम बैटिंग फर्स्ट 5 बार जीती है, चेस करते हुए 2 बार और 1 गेम वॉशआउट हुआ है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर T20s में यहाँ पर रहा है 194 का। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो लीड्स में पेसर्स को थोड़ी सी ज़्यादा मदद मिलती है ओवर स्पिनर्स, और शायद आपकी फैंटेसी टीम में भी आपको सेम स्प्लिट देखने मिले। बात करते हैं इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की ऑफ दिस करंट टूर्नामेंट। सुपर चार्जर्स के लिए मैथ्यू शॉट 2 इनिंग में बना चुके हैं 81, विच इंक्लूड्स 1 स्कोर ऑफ 73। ब्रूक के हैं 2 इनिंग में 63, जिसमें 150 इंक्लूडेड है। डेविड वीजे के नाम है 150, 2 इनिंग में 55 रन। टॉम बैंटन 2 इनिंग्स 44 रन। बात करें इनके बॉलर्स की, तो रीस टॉपली हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 3 इनिंग में 6 विकेट। पानेल के हैं 3 इनिंग में 5 विकेट, और बाकी आदिल रशीद ले चुके हैं 3 इनिंग में 2 विकेट। इनके अलावा कैलम पार्किंसन के हैं 2 इनिंग में 2 विकेट, और मैथ्यू शॉट भी 3 इनिंग में 2 विकेट चटका चुके हैं। ओवल इनविंसिबल्स के बैटर्स की बात करें तो जॉर्डन कॉक्स इनके लीडिंग रन गेटर रहे हैं अब तक के, 3 इनिंग में 90 रन। हेनरिक क्लासन के नाम है 3 इनिंग में 79। जेसन रॉय 3 इनिंग में 67, जिसमें से 59 तो पिछले गेम में ही आए थे, उसके अलावा बाकी 2 गेम में रन्स नहीं बने थे। विल जैक्स 3 इनिंग में 59 रन। टॉम करन के 2 इनिंग में 47। और बात करें सैम बिलिंग्स की, तो 3 इनिंग में 34 रन इनके नाम भी है। इनके बॉलर्स की बात करें तो गस एटकिंसन के नाम है 6 विकेट इन 3 इनिंग्स एंड हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स फॉर देम, फॉलोड बाय नितिन साउटर, जिनके नाम है 3 इनिंग में 5 विकेट। सुनील नारायण 3 इनिंग में 5 विकेट, और स्पेंसर जॉनसन अपना एकमात्र गेम खेले जो पिछला वाला था, इनका जो डेब्यू था 100 का, वहां पर एक 3-4 छटकाया था। बात करें दोनों करन ब्रदर्स की, तो टॉम करन के नाम 2 इनिंग में 3 विकेट, और सैम करन ले चुके हैं 3 इनिंग में एकमात्र विकेट। बात करते हैं अब टॉप पिक्स की, तो सुपर चार्जर्स की तरफ से नंबर 1 टॉपिक बनते हैं हैरी ब्रूक। पिछले गेम में तो डक पर आउट होते 3 नंबर पर बैटिंग करते हुए, बट सेकंड मैच जो खेली थी वहां पर 27 बॉल में 63 मारे थे, नॉट आउट रहे थे। पिछले सीजन 6 इनिंग में 85 रन थे, और इनका रिकॉर्ड आप देखोगे इस वेन्यू का, तो बैटिंग फर्स्ट 14 इनिंग्स में 538 रन है, 67.25 का एवरेज, जबकि बैटिंग सेकेंड ये एवरेज बन जाता है 36.9 का। मैथ्यू शॉट है नेक्स्ट टॉप पिक, जिन्होंने पिछले गेम में केवल 8 रन ही बनाए, बॉलिंग करते हुए विकेट्स नहीं मिली, बट सेकेंड गेम इनका काफ़ी बढ़िया रहा था, 36 बॉल में 73 बनाए थे वहाँ पे, और पहली मैच में 2 विकेट भी चटकाए थे। MLC खेलकर आ रहे हैं रिसेंटली, जहाँ पर 6 इनिंग में 152 रन इनके नाम थे। थर्ड टॉपिक बनते हैं रीस टॉपली, जिन्होंने पिछले गेम में 2 विकेट चटकाए थे, सेकेंड मैच में थे 3-4, और कुल मिलाकर अब हैं 3 मैच में 6 विकेट इनके नाम। पिछले सीजन भी इन्होंने 4 इनिंग में 5 विकेट चटकाए थे, एक्सपीरियंस बोलर हैं और यहाँ पर काफ़ी काम आएंगे। फाइनल टॉपिक बनते हैं वेन पार्नेल, जिन्होंने पिछले गेम में 3-4 पिक किया था, इसके पहले आप देखोगे कुल मिलाकर 3 मैच में हैं 5 विकेट्स इनके नाम। पिछले सीजन 2 इनिंग खेले थे, वहां पर 4 विकेट चटकाए थे। MLC खेलकर आ रहे हैं हाल ही में, जहां पर 6 इनिंग में 9 विकेट पिक करे थे। इस वेन्यू पर सक्सेसफुल रहे हैं, 4 इनिंग में 6 विकेट चटका चुके। चलते हैं देखते हैं क्या बनते हैं ओवल इनविंसिबल्स के टॉप पिक्स। तो नंबर 1 पर आते हैं हेनरिक क्लासन, जो कि एक मास्टर इनिंग्स खेलकर आ रहे हैं पिछले गेम में। 27 बॉल में 60 बनाए थे 3 नंबर पर बैटिंग करते हुए। MLC भी खेली थी इन्होंने हाल ही में, जहां पर 6 इनिंग में बनाए थे 235 रन, जिसमें 150 और 100 शामिल था। सेकेंड टॉपिक बनते हैं विल जैक्स, जिन्होंने पिछले गेम में क्या शुरुआत दी थी, 13 बॉल में 32 इनिंग्स को ओपन करते हुए। पिछले सीजन भी 7 इनिंग में 261 रन बनाए थे, और इस सीजन वाइटैलिटी ब्लास्ट में 16 इनिंग में 558 रन बनाए थे। थर्ड टॉपिक बनते हैं सैम करन, जो कि एक ऑलराउंडर हैं, पिछले गेम में ज़्यादा नहीं चले, 4 नंबर पर बैटिंग करी, 7 बॉल में 7 रन बनाए, विकेट भी नहीं पिक कर पाए। इनफैक्ट इस टूर्नामेंट में अब तक केवल 1 विकेट ही पिक कर पाए, बट वाइटैलिटी जो अभी तक खेल के आ रहे हैं, वहां पर 16 इनिंग में 396 रन बनाए थे, और बॉलिंग करते हुए 16 विकेट भी पिक कर रहे हैं।
फाइनल टॉपिक बनते हैं गस एटकिंसन, जो कि इनके लीडिंग विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के अब तक। लास्ट मैच में भी लिए थे 2 विकेट, सेकेंड मैच में लिया था 3 for और अब तक 6 विकेट हैं इनके नाम। वाइटालिटी ब्लास्ट जो हाल ही में खेला था वहां पर 13 इनिंग में 13 विकेट पिक करे थे। देखते हैं दोस्तों क्या बनते हैं हमारे डिफरेंशियल पिक्स। तो नंबर 1 पर आते हैं डेविड वी से। वैसे दोस्तों हम देखो कि डेविड वी से बैटिंग करेंगे नंबर 7 पर और बॉलिंग ऑप्शन भी इस टीम के पास मल्टीपल है, बट जो पिछले गेम में ये करके गए उसके बाद कई लोग शायद इनको कंसिडर करना शुरू कर दें। 25 बॉल में 54 रन बनाए थे इन्होंने पिछले गेम में और बॉलिंग करते हुए भी 10 बॉलें डाली थी, विकेट एक भी नहीं मिली बट 10 बॉलें पक्का डाली थी इन्होंने। 2 सेट्स मिले थे इनको। वाइटालिटी जो खेले थे यहाँ पर इस साल उसमें 11 इनिंग में 197 रन और 11 विकेट्स भी पिक करे थे। सेकंड डिफेंशियल पिक बनते हैं कैलन पार्किंसन, जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। इस वेन्यू पर 7 इनिंग में 8 विकेट हैं, पिछले गेम में भी 2 विकेट चटकाया था इन्होंने और ये दोस्तों एक अच्छे खासे डिफेंशियल बन सकते हैं बिकॉज हाल ही में हुए वाइटालिटी में 14 इनिंग में 17 विकेट चटकाए थे। फाइनल डिफेंशियल पिक बनते हैं स्पेंसर जॉनसन, जो अब शायद सबकी नजर में आ गए हो। पिछले गेम में क्या बॉलिंग परफॉर्मेंस दी थी, 20 बॉल में 19 डॉट बॉल्स, 3 विकेट चटकाए, 1 रन दिया इन्होंने। ग्लोबल T20 जो खेला है हाल ही में वहां पर भी 6 इनिंग में 7 विकेट पिक करके अच्छे केयर के बॉलर हैं। एक उनका जो 10 बॉल का स्पेल था वो लास्ट गेम में वो बहुत ही लीथल था जहां पे 3 विकेट आए, तो ओवर राइड भी मत कर लेना कि स्पेंसर जॉनसन इज द मतलब यू नो पिक करना ही है, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, डिफरेंशियल पिक रहेंगे अभी भी। ये अच्छे बॉलर हैं नो डाउट अबाउट दैट, एक्सप्रेस बॉलर हैं नो डाउट अबाउट दैट, बट कैरीड अवे मत होना, यही हमारी एक आपको सजेशन रहेगा। बात करें सेफ कैप्टनशिप पिक्स की तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे हेनरी क्लासन, सैम करन और मैथ्यू शॉट को। ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो गेम चेंजर्स बन सकते हैं फॉर योर रिस्पेक्टिव टीम्स। और डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक में हम रेकमेंड करेंगे वेन पार्नेल को। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बेस टीम की और विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 3 ऑप्शन है। आप चाहे तो कॉक्स को बैक करो, बिलिंग्स को बैक करो या बैंटन को। रिस्क लेने वाले टॉम बैंटन की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा सा सेफ जाना हो तो जॉर्डन कॉक्स या सैम बिलिंग्स आर गुड ऑप्शन। बैटिंग सेक्शन में हमारे पास बेस टीम में है क्लासन, विल जैक्स और हैरी ब्रूक। इनके अलावा जेसन रॉय ने पिछले गेम में दिखाया कि मेरिट तो अभी भी है, रन्स तो अभी भी ये जोर से बना सकते हैं, तो बैक करना है तो जेसन रॉय कैन बी अ वेरी गुड पिक, स्पेशली ऐसे विकेट पे जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रन्स बनेंगे। वैसे इन सारे प्लेयर्स के वेन्यू रिकॉर्ड्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड सब कुछ आपको मिल जाएगा व्यू स्पोर्ट ऐप पर। अगर चेकआउट नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिंड कमेंट में भी रखी है। ऑलराउंडर सेक्शन में अगर आप देखोगे तो हमने फिलहाल मैट शॉट और सैम करन इन दोनों को बैक कराया। डेविड वी से अच्छे खासे डिफेंशियल ऑप्शन है, सुनील नारायण ने बढ़िया बॉलिंग करी थी पिछले गेम में, फिर से इनको इस विकेट पे बैक करना है कि नहीं आप डिसाइड कर सकते हो। हमें लगता है कि ये विकेट शायद पेस को ज़्यादा सपोर्ट दे और इसीलिए सुनील नारायण को एक डिफॉल्ट पिक कंसिडर नहीं कर रहे। अगर टॉम करन खेलते हैं तो टॉम करन भी अच्छे खासे कंसिडरेशन में आ सकते हैं। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में तो गस एटकिंसन, टॉपली, पार्नर इन तीनों को पिक करके जा रहे हैं। इनके अलावा नेथन साउटर इज एन एक्सेलेंट चॉइस, या आप चाहो तो स्पेंसर जॉनसन की तरफ भी जा सकते हो। जैसे मैंने बताया था ये हमारी बेस टीम है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर, चेकआउट करना मत भूलिएगा और हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी। एक और बात बताऊं, ये सारे गेम्स जो बड़े गेम्स हो रहे हैं इन सब की टॉस के बाद स्पेशल इनसाइट्स भी आपको मिल जाती है व्यू स्पोर्ट की टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, आ जाइए वहां पर और देख लीजिए क्या वो इनसाइट्स जो टॉस के बाद आती हैं उससे आपकी कुछ भी मदद हो पाती है क्या। तो चेकआउट करना मत भूलिएगा व्यू स्पोर्ट का टेलीग्राम चैनल। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।